श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। उन नभ सर मम करनि कर कमलनि पर करिबा शोभत भयउ मरालेब शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मोहन भीरी कवन जो थावद तब प्रभु नारी बेरे बलहीना अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सोगी होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा मेरा छोटा भाई विभीषण सो वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जानवंत बहुत बूढ़ा है वो अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जान नहीं नल नीला हाई कपि एक महाबल तीला आवा प्रथम नगर जही जारा सुनत बचन कहे बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं वे लड़ना क्या जाने। हाँ एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा साचे हूँ की सकीन पुरदा रावण नगर अल्प कपि दहाई सुनियत वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज सच्ची बात तो कहो क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे हूँ रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलाई बहुत सो वीर न होई पटवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हर कारा है। वो बहुत चलता है वीर नहीं है उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारे वो बिनु प्रभु आय सुपाई फिर न गय सुग्रीव पहीं तहीं भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहानी दस कंड सब मोहिन सुन कछु को
को न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करियो नीति अस आही, जो मृग पति बध मेड़ कनी भल की कहाई बहुत आही। प्रीति और बैर बराबरी बालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुपति राम कहूं ते ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तदापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिकु कीस, प्रति उत्तर सरसिन मनहु काढ़त भट दस चीस। वक्रोति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण, उन बाणों को मानो, प्रत्युत्तर रूपी सनासियों से निकाल रहा है। हंसी बोले दस मोली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल सुहित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वो अनेकों उपायों से भला करने की ही चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु का जा, जहाँ तहाँ नाचै परिहरि लाजा। नाहि कूदि कर लोग रिझाई, पति हित करै धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, वो उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहती यही भांति। मैं गुण गाहक परम तू जाना, तब कटु रटनी करहूं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर ध्यान नहीं देता। कहता पिता भगुन गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोही सुनाई। बन विध्वंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत उपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मई की निधि ठाई। देखे हूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोस न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर, हे दसग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लाज है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहियत वचन हसा दस तीसा। पितही खाई खाते हूँ कोनी कोई, अब ही समझी परा कचु मोही।
रावण बोला, अरे बानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत ही कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतउ न तो ही अधम अभिमानी। कौरावन रावण जग के थे, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली जितन एक गयो पाताला, राखे उबांधी सुसन है साला। खेलही बालक मारही जाई, दया लागी बल्ले दीनी छुड़ाई। एक रावण को बाली को जीतने में पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घोड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लैयाबा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र भाव ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की काक, इन महु रावण तय कवन सत्य बदही सजमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वो बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। बोलिए क्या रामचंद्र की, हनुमान की।